गाइस, सो मेरा न्यू वीडियो आ चुका है, तो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, सो आप लोग देख लीजिएगा। मेरा पास आ चुका है, सो आप लोग देख सकते हैं, यही है वो जो कोड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए, मतलब डीएस फैमिली, जो ताकि मैंने नाम दिया है डीएस फैमिली। हम लोग का जो यूट्यूब फैमिली है वो है डीएस फैमिली। और आज बहुत ही खुशखबरी देने वाले हैं आप लोगों को, मतलब हम लोगों का चैनल का मोनेटाइज तो हो गया है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और आज डेट नाइन 2021 में आज गूगल का जो एडसेन है उसका जो कोड भेजा जाता है आफ्टर $10, सो वो अभी मेरा पास आ चुका है। सो आप लोग देख सकते हैं, यही है वो जो कोड। सो मैं मतलब बहुत दिनों से मतलब इसका वेट कर रहा था, और मेरा वीडियो अभी $10 कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जल्दी से $100 होने के बाद पेमेंट आता है, तो आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और किसी भी वीडियो को मतलब जब पसंद आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब जैसे कि मैं अभी जो वीडियो कर रहा हूँ वो मेरे मोबाइल से कर रहे हैं, और मेरा मोबाइल जो है थोड़ा कम दाम का है, तो मतलब क्वालिटी जो है थोड़ा ख़राब है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले यूट्यूब से जब पैसा आएगा तो उससे पहले मैं एक कैमरा या मोबाइल, एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन खरीद लूँ, और मतलब मेरा पैसा होने के बाद वो यूट्यूब से पैसा ना आए, मतलब मेरा पैसा से मैं खरीदूँगा, लेकिन यूट्यूब से थोड़ा आएगा तो मेरा हेल्प हो जाएगा। सो यही मतलब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। अभी मतलब मुझे थोड़ा बैंक में जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए मतलब एक स्विप कोड चाहिए बोल रहा है, तो वो शायद ब्रांच मैनेजर से मिलेगा बोल रहा है, मैं यूट्यूब में वीडियो देखा तो चलिए बैंक में जाके मतलब वो स्विप कोड जो है वो लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट डालते हैं मेरा यूट्यूब अकाउंट पर। और थैंक यू सो मच फॉर अगेन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज विदाउट यू आई एम जीरो। ओके, दैट मीन्स आप लोग नहीं होंगे तो मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब आप लोग जब वीडियो देखेंगे, पसंद करेंगे, कमेंट लाइक शेयर करेंगे, तभी मतलब मैं भी ग्रो हो सकूँगा, नहीं तो मैं वैसा ही जैसे कि जैसे पहले विलेज बॉय था वैसे ही विलेज बॉय रह जाऊँगा। सो मैं यहाँ पर मैं पो थकाचारी वीडियो यंग भी तमकता, थैंक यू। और मतलब थोड़ी देर पहले, मतलब दैट मीन्स 2-3 दिन पहले थोड़ी देर पहले होता है क्या वो, सो जो भी हो मतलब 2-3 दिन पहले मतलब थोड़ा बारिश हुआ है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी एकदम भी नहीं है, थोड़ा ढीला हो चुका है माटी, लेकिन पानी जमा नहीं हुआ है, और 1-2 दिन बारिश देने से और अच्छा लगेगा। और देख सकते हैं पूरा नज़ारा, पूरा अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं DSLR होने से कैसा मज़ा से फ़ोटो खींच सकेंगे यहाँ पे। सो मेरा फ़ोटो नोबी भी देख सकते हैं, बहुत दिन हो गया फ़ोटो नोबी को भी नहीं दिखाया हुआ, सो ये फ़ोटो नोबी ये खा रहा है यहाँ पे। तो चलिए बैंक में पहले जाते हैं, उसके बाद सो फाइनली बैंक में आ चुका हूँ यार, ये वाला बैंक में जाना है थोड़ा, सो ये वाला बैंक में काम था, सो यही से लेना है। एक्चुअली मतलब ये जो बैंक है वो अभी मतलब पंजाब नेशनल बैंक में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये इसका नया IFSC कोड नंबर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और MICR भी लिखा हुआ है, और आप लोग मोबाइल से मतलब बैलेंस चेक करने के लिए ये वाला नंबर जो तो दिखाई दे रहा है उसको मिस कॉल करने से आप लोगों का मतलब जो बैलेंस है वो आप लोगों को मिल जाएगा SMS के ज़रिए, वो लेकिन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करना पड़ेगा, ठीक है। सो है गाइस, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आप लोग स्क्रीन पे, सो यही नंबर के लिए मैं बैंक में गया था, और बैंक का जो मैनेजर था उन्होंने मतलब बोला कि यहाँ का मतलब स्विप कोड जो है वो नहीं है, लेकिन उन्होंने मतलब एक कस्टमर केयर का नंबर दिया, मैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे दे दूँगा। सो इस कस्टमर केयर को मतलब कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो कोड है ये जो यही मतलब स्विप कोड जो है वो ऑल इंडिया में चलेगा, तो मैंने यही कोड डाला था,
मेरे YouTube चैनल पे, तो बाद में क्या होता है मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मतलब आप लोगों को बताना चाहता कि जिसका PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक है तो ये कोड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है तो उसमें कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। सो थैंक यू। A few moments later. पूरा बाइक धो दिया है यहाँ पे। कितना लेता है यहाँ पे? 50। पूरा धो दिया है, अच्छा लग रहा है। रॉयल एनफील्ड। सो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब बैंक से निकलने के साथ साथ तो रास्ता को भी दिखाई दिया और वो अपना बाइक धोने के लिए आया था। सो अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे मतलब ये जो फॉर्म जो था वो कैसे फिलअप करते हैं। सो मेरा फिलअप करने के लिए जा रहा हूँ मैं अभी, और इसलिए मैं डायरेक्ट मेरा HN अकाउंट जो है वो खोलने जा रहा हूँ, और मेरा पहले से लॉगिन था तो ये दिखाई देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो पेमेंट ऑप्शन जो है उसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो मेरा थोड़ा नेट स्लो है तो लोडिंग होने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों का नेट फास्ट है तो ऑटोमेटिक निकल के जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 17.47 हो चुका है मेरा। सो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्म आ जाएगा। सो यही फॉर्म आप लोगों को भरना है। आप लोगों का भी जब $10 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग का भी कोड आ जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट का जो नाम है उसको भरने के लिए ऐसा दिखाई देगा। सो यहाँ पे जो बैंक नेम ऑन द बैंक अकाउंट है यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और बैंक नेम लिखना है। बैंक नेम तो मेरा तो पंजाब बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक लिख दिया। उसके बाद IFSC कोड लिखना है, तो IFSC कोड के लिए मैं पहले ही मैं। सो है गाइस, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। सो जरूर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मेहनत आप सभी का मेहनत है, प्यार बहुत सारा प्यार दीजिए। हम अपने आपका प्यार से हम बहुत कुछ बन सकता है, तो उम्मीद है आप जरूर प्यार देगा। सो सियारी क्या है।